1959 की तिब्बतन अप्राइजिंग और उसके अगेंस्ट चाइनीज क्रैकडाउन के बाद दलाई लामा और हजारों रिफ्यूजीज CIA की हेल्प से असम के तेजपुर पहुंचे और 2 सितंबर 1960 में तिब्बतन पार्लियामेंट को धर्मशाला में एस्टेब्लिश किया। साथ ही 2011 में CTA यानी कि सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन को भी मैक्लोडगंज में एस्टेब्लिश किया गया, जो करंटली वर्ल्ड वाइड 1,00,000 से भी ज्यादा तिब्बतन रिफ्यूजीज को गवर्न करती है। ऑल्दो इंडियन गवर्नमेंट दलाई लामा को तिब्बतन का रिलीजियस लीडर मानती है और साथ ही इंडिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ तिब्बतन रिफ्यूजीज रहते हैं, फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना ही CTA और ना ही तिब्बतन पार्लियामेंट को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करती है। सिर्फ USA एक ऐसा कंट्री है जो तिब्बतन्स को पॉलिटिकली सपोर्ट करता है और इसीलिए 2020 में US कांग्रेस ने तिब्बत पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट भी पास किया। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या हमें चाइना की वन चाइना पॉलिसी को नेग्लेक्ट करते हुए तिब्बतन पार्लियामेंट और CTA को रिकॉग्नाइज करना चाहिए या नहीं।